गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ। आज आपका प्रश्नावली है 4.3 का प्रश्न संख्या 8 है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को एक घंटे कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात नहीं है तो मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा 5 किलोमीटर की वृद्धि अर्थात 5 किलोमीटर अधिक होती, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करने पर रेलगाड़ी की चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कुछ समय लगेगा। तो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो आपको दूरी कितना है 360 बटा चाल कितना है x, समय का मात्रक घंटा। फिर उसके बाद x प्लस 4 किलोमीटर, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 360 बटा चाल कितना है आपकी बार x प्लस 5 घंटे। प्रश्नानुसार अब देखिए, पहले चाल कम थी तो उसको ज्यादा समय लग रहा था, अब चाल क्या हो गई बढ़ गई, चाल अधिक हो गई तो समय क्या लगेगा कम लगेगा। पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था तो इसको इतना समय लग रहा था, अब चाल कितना होगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बढ़ रही है तो समय क्या होगा कम, कितना कम होता है एक घंटा। तो 360 बटा x माइनस 360 बटा x प्लस 5 बराबर एक घंटा समय कम होता है, तो माइनस करेंगे कितना डिफरेंट होगा एक घंटे का। 360 कॉमन तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल 1। 360 x प्लस 5 एलसीएम, तो x प्लस 5 माइनस x बन जाए x इक्वल 1, x कैंसिल, 360 कितना 5/x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 1। अब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 360 का हम किस में 5 में गुणा करेंगे तो 0, 5 अंक 30, 0, 5 यही 15, 3, 18, तो x स्क्वायर प्लस 5x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1800 बराबर 0। अब 1800 का हमें फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 1800 आए और माइनस करने पर 5, तो ये बनेगा हमारा x स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40।
45 और 40 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1800, और 45 में से हम 40 माइनस करेंगे आएगा 5। एक्स माइनस 1800 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इक्वल 0। एक्स कामन एक्स प्लस 45 माइनस 40 कामन, तो एक्स माइनस माइनस प्लस 45 इक्वल 0। एक्स माइनस 40 एक्स प्लस 45 इक्वल 0, अलग कर लीजिए, तो एक्स माइनस 40 बराबर 0, तो एक्स बराबर 40। एक्स प्लस 45 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 45। तो चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती, चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती, तो धनात्मक क्या है, x बराबर 40। इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल x बराबर कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल हुई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।